मध्य प्रदेश में विधानसभा में भाजपा की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 4 घंटे सुनवाई हुई। कांग्रेस, भाजपा, राज्यपाल, स्पीकर और बागी विधायकों की ओर से 5 वकीलों ने दलील पेश की। कांग्रेस ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे सौंपने के पीछे भाजपा की साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुमत परीक्षण के लिए रातों रात मुख्यमंत्री और स्पीकर को आदेश देना राज्यपाल का काम नहीं है। स्पीकर इस मामले में सबसे ऊपर है, राज्यपाल उन पर हावी हो रहे हैं। कांग्रेस ने विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसका विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि हम कैसे तय करें कि विधायकों के हलफनामे मर्जी से दिए गए हैं या नहीं, यह संवैधानिक कोर्ट है, हम संविधान के दायरे में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, टीवी पर कुछ भी देखकर तय नहीं कर सकते। 16 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हो या नहीं, लेकिन उन्हें बंधक नहीं रखा जा सकता है। अब साफ हो चुका है कि वे कोई एक रास्ता चुनेंगे, उन्होंने जो किया उसके लिए स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए।